नागदा को जिला बनाने की अंतिम प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु गजट नोटिफिकेशन कर दावे आपत्ति आमंत्रित करने की मांग को लेकर कांग्रेस की भूख हड़ताल 29वें दिन भी जारी रही। इस दौरान ग्रामीण व शहर वासियों ने क्रमिक भूख हड़ताल स्थल पर पहुंचकर नागदा को जिला बनाने का समर्थन किया। क्रमिक भूख हड़ताल पर रमेश बिहाड़िया, सेवालाल यादव आदि साथीगण बैठे, जिनका विधायक दिलीप सिंह गुर्जर ने पुष्प मालाओं से स्वागत किया। इस अवसर पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष राधे जायसवाल, अयुब कामरेड मोहम्मद रंगरेज, भानु सिंह, भावेश सिंह चौहान, असलम खान, भगवान सिंह गुर्जर आदि जन उपस्थित थे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, 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 तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शिवराज सिंह चौहान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नागदा को जिला बनाने का गजट नोटिफिकेशन पास करो, पास करो, पास करो। शिवराज सिंह चौहान नागदा को जिला बनाने का गजट नोटिफिकेशन पास करो, पास करो, पास करो। नागदा को जिला बनाओ, जिला बनाओ, जिला बनाओ। दिलीप गुर्जर जिंदाबाद, दिलीप गुर्जर जिंदाबाद, दिलीप गुर्जर संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। दिलीप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। नागदा को जिला बनाने हेतु गजट नोटिफिकेशन की प्रक्रिया प्रारंभ करने की मांग को लेकर आज कर्मी हड़ताल का 29वां दिन है। निश्चित रूप से विगत दिनों भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय और जिले के प्रभारी जोड़ा जी आए थे, उन्होंने सब बातें कही। उन्होंने जिले के संबंध में एक भी बात उन्होंने कही। गुरु विधायक जी ने भी जिले की बात करी, उन्होंने भी भविष्य की प्लानिंग के हिसाब से बात करी। उनकी बातों का समर्थन मंच से किसी भी नेता ने नहीं किया, इससे सिद्ध होता है भारतीय जनता पार्टी जो नागदा जिला बनाना नहीं चाहती। हम निश्चित से हम दुआ कर रहे हैं कि 15 अगस्त तक नागदा को जिला घोषित करें, ये तो हम और आंदोलन को उसको निश्चित रूप से बढ़ाएंगे। आज जिला बनाने की जो आंदोलन चल रहा है उसका 29वां दिन है और भाई दिलीप गुर्जर जी ने, जो कि इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भी हैं और विकास के लिए वो हमेशा प्रयासरत रहते हैं, उन्होंने 2008 में शिवराज सरकार के समय से ये जिले के लिए बार बार प्रश्न उठाते रहे कि नागदा को जिला बनाया जाए, नागदा को जिला बनाया जाए। तो नागदा जिले के सारे मापदंड में आता है, इसलिए भाई दिलीप गुर्जर का कहना है कि जब हमारा नागदा जिला बन जाएगा तो सारे विकास आ जाएंगे और सारे विकास की यहाँ गंगा बहेगी, यहाँ पे व्यापार, बिजनेस, रोजगार सारे मिलेंगे और जो मकान वाले इनको किराया भी अच्छा मिलेगा, सरकारी अधिकारी बहुत आएंगे यहाँ पर। तो मैं आम जनता, व्यापारी भाई, किसान भाई और यहाँ के नागदा नगर लोगों से कहता हूँ, इस आंदोलन में आप लोग सहयोग करें और समर्थन करें। और मेरे को आज तक ये समझ में ये नहीं आया कि अगर नागदा जिला बन जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बेइज्जती कैसे हो जाएगी, और अगर नागदा जिला नहीं बना तो नागदा में हमारे आदरणीय थावरचंद जी जो केंद्रीय मंत्री रहे, आज मतलब राज्यपाल है, और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री हैं और भी कई बड़े बड़े पदों पर रहने वाले यहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग हैं, अगर नागदा जिला नहीं बना तो आने वाली पीढ़ी हमें धिक्कारेगी। कितने लोग नेता, इतने बड़े बड़े नेता नागदा में होने के बाद भी नागदा को जिला नहीं बनने दिया, इससे भारतीय जनता पार्टी की बेइज्जती और ज़्यादा होगी। तो मेरा उनसे भी निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी भी आकर के यहाँ समर्थन करे, भाई दिलीप गुर्जर का हाथ मजबूत करे और नागदा को जिला बनाने के लिए पूरा समर्थन दे और जिला बनाने के लिए शिवराज जी को प्रेरित करें। और दिलीप भाई ने तो बोल दिया है, कमलनाथ जी ने बोल दिया है, और अभी जयवर्धन सिंह जी हमारे आए थे, पूर्व दिग्विजय सिंह जी के मुख्यमंत्री जी के बालक, उन्होंने ये बोला कि जिस दिन कांग्रेस की सरकार यहाँ पे बनेगी, और कांग्रेस की सरकार बन रही है, क्योंकि आज तक ने 155 सीट कांग्रेस की घोषित कर दी है और भारतीय जनता पार्टी भी समझ रही है कि हम जा रहे हैं, और 15 दिन के अंदर हमारी कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो कमलनाथ जी ने बोला है कि मैं कंडा साला चौराहे पे जिला की घोषणा करके जाऊंगा, जय कांग्रेस, भाई दिलीप गुर्जर जिंदाबाद। हमारे विधायक जी के नेतृत्व में चल रहा है कांग्रेस का, और आज लगभग एक महीने की होने वाला है, लेकिन आज तक कोई भी भारतीय जनता पार्टी के नेता, मंत्री, विधायक, दूसरे कोई भी नेताओं ने आज तक इस मांग को उठाया नहीं है। यहाँ पे नागदा
बंद रहने का भी कार्यक्रम हुआ है, भोपाल तक भी लोग लड़ लिए हैं और भारतीय जनता पार्टी एनकेएन प्रकरण जो इसमें अड़ंगे डाल रही है। जैसे कि उस समय पत्रकारों ने, पत्रकार परिषद ने जब यहाँ पे कार्यक्रम रखा था उसके अंदर भी भाजपा के नेताओं ने अपनी धोनी चाल चलते हुए कहा था कि इसमें मेधपुर का विवाद है और ये विवाद है, तो वो इसको विवादित बना के और जिले की अनदेखी कर रहे हैं और उनका रिमोट कंट्रोल उद्योग से चल रहा है, इसलिए वो नहीं चाहते जिला बने। लेकिन हमें गर्व है हमारे क्षेत्र में लोकप्रिय विधायक है, 2008 से उन्होंने ये मांग शुरू की है और उन्होंने जब जब जो प्रण लिया है उसको पूरा किया है। अभी यहाँ कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के हुए, मंत्री आए, सब हुआ, लेकिन किसी एक कार्यक्रम में उन्होंने किसी ने भी ये नहीं कहा कि हम नागदा को जिला बनाने की पहल करेंगे। शिवराज जी दो दो बार यहाँ आकर बोल गए हैं, इसलिए नागदा की जनता, नागदा विधानसभा की, नागदा खातर विधानसभा की जनता ये तय करके बैठी है कि अब शिवराज जी आप चुनाव में आओ, और अगर जिला आपके इस चुनाव से पहले आपने जिले की मांग मंजूर नहीं करी, गजट नोटिफिकेशन नहीं किया, तो आपकी कोई कार्यक्रम यहाँ पे सफल नहीं होने, आपको काले झंडे बताए जाएंगे।